हम आप दोनों को ये बतावे चाहता नहीं कि हम बेकसूर बानी, और ये साबित करे खातिर हमारा पास एगो आई विटनेस हो। वो आई विटनेस एगो लड़की बाड़ी जब मनीषा के हमके ड्रिंक पिलावत दिखले रही। हम ना चाहे कि आप वो लड़की के कटघरा में खड़ा करी, बिल्कुल भी ना। लेकिन मिस्टर करण होकर गवाही से आप बेगुनाह साबित हो सकता नहीं। हम ना चाहे उकरा कोनो तकलीफ होके, सॉरी। लेकिन मिस्टर करण, मिस्टर मलकानी, अगर करण कहता कि आप वो लड़की के केस में इन्वॉल्व मत करी तो उकरा के मत करी। I'm sorry, हम अंदर नहीं आ सकते हैं, कहे कि माँ। सला आंटी भी आयल बड़ी, ऑटो में बड़ी, वहाँ के वेट करते नहीं आप, हम रुका था नहीं आपके साथ, वेट करते नहीं। ना वो बात ना बा, actually you know what, you're the best, you are just the best, in fact आपके फैमिली में सब लोग कितना अच्छा बा। हम आपके बयान नहीं कर सकत कि आप लोग के साथ आप लोग के अपनापन कितना मायने रखा था हमरा खातिर। सिलंटी ना आईली, हम देख के आई ना, ओ माँ नहीं आईली हैं। का है वहाँ की तबीयत ठीक बा? हाँ तबीयत बिल्कुल ठीक बा, अब एक्चुअली ओ काहे की ओ, हम समझ गए नहीं प्रीता जी, बिल्कुल हमरा दिमाग में ना रहल कि वो घर पर का भइल रहे, लेकिन हमरा बहुत खुशी बा कि वहाँ के आपके आए से ना रोकनी, इससे बड़बत हमरा खातिर और कुछ नहीं के हो सकत। आप हमरा के वो छोट छोट बात खातिर थैंक यू बोलत रानी ना, क्यों सरला जी के जेल से छुड़वानी, सृष्टि के जेल से छुड़वानी, कुमकुम भाग्य हॉल खातिर, ऐसे आपके ऊपर वो आँच ना आए दियन। आज आपके थैंक यू बोले के कोनो जरूरत नहीं है, आप जो हमरा खातिर कहनी वो थैंक यू से बहुत बड़ पा प्रीता जी। आप दोस्ती के फर्ज निभा देनी, असली मायने में आप दोस्त पानी, ये दोस्ती के मायने समझ ले बा प्रीता जी। आपकी अच्छाई, आपके सच्चाई, आपके हिम्मत हम पूरा दिल से सलाम करतनी। थैंक यू सो वेरी मच प्रीता जी। आप अंदर चली ना, अंदर चल के बात करेंगे। आई जस्ट हमने ऋषभ जी के एहसान के भूल ना सके नी, आपके याद बना हो कुमकुम भाग्य मैरिज हॉल के सील होके से बचे ले रहनी, और मम्मा जब जेल में रहनी तो के हेल्प कर ले रहे हमार। ऋषभ जी, अगर हमने आज ऋषभ जी के साथ ना देनी ना तो इंसानियत के इंसल्ट हुई दी, और हमने इतना सेल्फिश ना बन सके नी। चली ना, लेकिन चली चली, कुछ ना हुई प्रीता जी, आई ना, चली दी। ई रहल ओकर गाड़ी के नंबर। एक्चुअली हमनी जब मार्केट से निकलत रहनी ना तो दी मोलिशा के देख ली, और ओकर बाद हम ओकरा के देख ली वहीं पर। दी ते इतना गुस्सा में लगी ओकरा पकड़ के ही पूछे वाला रही कि वो आप पर इतना घटिया इल्जाम कहे लगेली। हम दी के आज तक इतना गुस्सा में ना देखनी, मतलब दी एकदम झांसी के रानी टाइप से हो गल रही, एकदम अटैक मोड में आ गल रही। लेकिन ओकरा हमनी पकड़ना पैनी एकरा पहले कि हमने ओकरा पास जैती वो जा चुकल रही। ई होला सच्चा अपनापन, हम आपके जितना शुक्रिया अदा करें ना प्रीता जी, कम बात। प्रीता जी ग्रेट जॉब डन। आपके पता नहीं क्या मनुष्य के कार के रजिस्ट्रेशन नंबर एक केस खातिर बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी बा जो हमनी के मनुष्य तक ले पहुंचा सकता, ओकर थ्रू हमनी के और क्लू मिल सकता कि वो केकर केकर कांटेक्ट में भी आ। आई एम सो हैप्पी दैट एटलीस्ट हमनी के डायरेक्शन मिलल। आई थिंक आई विल इन्फॉर्म माय लॉयर अबाउट दिस। एक्सक्यूज मी, आई विल हैव टू अटेंड दिस कॉल। हेलो, चीयर्स। ड्रिंक्स के साथ चखना में हमके चाहिए करण लोथरा के बर्बादी और बदनामी के न्यूज। ये दुराबा चले था ना, ये न्यूज चैनल जो है ना, ये ब्रो करण लोथरा और इनकरा खबर में तो ना ही स्पाइस ना ही मसाला। हमके एंटी करण लोथरा न्यूज चैनल चाहिए जो कर इज्जत के धज्जियां उड़ा दे। मशहूर क्रिकेटर करण लोथरा के बेल एप्लीकेशन के रिजेक्ट कर दी हल गई बा। फैंटास्टिक, निकला बेल रिजेक्ट हो गए बेबी, चीयर्स। और ई खबर ई बात के सबूत बा कि हमनी के कानून अपना आप में इतना ताकत भर बा कि ओकरा रहीस लोग ऊंचा लोगन के सामने झुके के कोनो जरूरत नहीं खे। और दोसर तरफ शहर के महिला संगठन करण लोथरा के खिलाफ मोर्चा निकाल के शासन से ई मांग कर रहल बाड़ी कि करण लोथरा के अपन घिनौना हरकत खातिर कड़ा से कड़ा सजा मिले। अरे हम तो कहती मोर्चा के सीधा ले जाओ पुलिस स्टेशन में, जहाँ गिल्ली डंडा प्लेयर लॉक्ड और हम डंडा देते हैं
वो डंडा से वो लूजर लूथरा के इतना पिटाई कर कि आगे पीछे हर जगह से सुझा देवे क्या, ओकर इज्जत के धज्जी कचुम्बर बना देवे क्या, तब आई मजा। तो क्या भेल, का सोच रहल बड़ा? I don't know, something is not right. अगर ये मामला करण के फेवर में चल गई तो it's a weird feeling यार। अरे तो आर फीलिंग के मारा गोली, ऐसा कुछ ना होए वाला। पूछा काहे? काहे? Itself opened a shut case. अरे जैसे मोनिशा कोर्ट में अपन स्टेटमेंट दी कि कौन तरह वो लूजर लुथरा एकरा पर रेप अटेम्प्ट करे के कोशिश के लिए एकरा साथ छेड़खानी के लिए, बस खत्म। हमार दुश्मन जाए गोइंग गॉन, हमेशा हमेशा खाते, राइट? Yes. ना यार पृथ्वी, तू प्रॉमिस करा कि इस सब में हमारे मनुष्या के कुछ ना होके की चाहिए। प्रॉमिस मी। ओके फाइन, हम अपन जान के सर पे हाथ रख के कसम खाते हैं और प्रॉमिस देते हैं कि ऐसे कुछ ना होए, कि तुहार गर्लफ्रेंड पर एक खरोच भी ना आए, कोनो तरह की परेशानी ना आए। दिस इज माय प्रॉमिस। रितिक, तुहार नाम रोशन रहे, तुहार साथ साथ तुहार गर्लफ्रेंड के भी। एंड प्लीज, हमार पुन्नु जब तक 100% श्योर ना होला ना, वो हमार कसम कबो न खाला, समझ ली? डोंट वरी ऋत्विक, हमके कुछ ना होए। और वैसे भी प्रीता के अगर हमारे खिलाफ बयान दे के ही हो इतना, तो वो अभी तक दे चुका हो। इसे पृथ्वी बाना, ये ओकर मॉम के इतना डरा दे ले बा कि वो साफ साफ मना कर दे ले बाड़ी। प्रीता के ना ही पुलिस स्टेशन जाए दी और ना ही कोनो लूथरा से मिले दी है, तो ई करण कैसे बची? Yes, I do understand, sir. I'm really sorry. Actually, आज ना एको बहुत important काम रहे, जेकर वजह से हम आना पाएनी। लेकिन कल हम एकदम time पे पहुंच जाएँ सब। Yes, sharp on time. Thank you for understanding. Thank you, sir. Sorry, ओ हम आपके यहाँ expect ना करे रहनी ना यही खातिर। ओ, actually, हम आपके बाहर thank you बोले खातिर आए रहने की। I just don't have words. हमरा लगे शब्द नहीं है प्रीता जी। हम आपके कैसे थैंक यू बोल ली? हमरा के करण बतेलस के ओकरा साथे होटल में का भेल रहे। हमरा पता बा कि आप लड़की के कार के रजिस्ट्रेशन नंबर भी हासिल कर ले बानी। That's really a big deal. हम कैसे आपके शुक्रिया अदा करें? All I want to say is कि really thank you so much. हम सच में दिल से बोले के चाहते नहीं आपसे। ना ऋषभ जी, थैंक यू की कोनो बात ना बा। करण के हमारे आंख के सामने फसायल जात रहे और हम जानत रहने की ओकर कोनो भी गलती ना बा। जे हम कहनी उतम के करे के ही रहे, हम चुप कैसे बैठ जाए थी। हमने के घर से दूर जाले के बजाओ भी आप हमने के इतना मदद करनी, अपन पूरा जान लगा देनी करण के बचावे खातिर। आप अपन अपमान तक भूल गयी ताकि हम लुथराज के सम्मान बनल रहो। हम कैसे तारीफ करी आपके? तारीफ शब्द खुद छोटा पड़ा था आपके सामने। यू नो प्रीता जी, आप हमने खातिर सबके खातिर मिसाल बनी और हम सच कहते नहीं। ना ऋषभ जी, हम तो कुछ करी ना पैनी। करण के था अब तक हमके रिहा करा देवे के चाहिए हमके। वो कुछ भी ना कहले बा, ओकर कोनो गलती ना बा और हम अगर आई विटनेस हैं, हम गवाही दे सकत हैं। लेकिन फिर भी हम कुछ भी ना कर पा रहे हैं, वरना अब तक तो छूट जाए इतना। एक्चुअली हम करण के कितना समझे नहीं हम कि आपन ही बात करेला। अब आई डोंट। प्रीता जी, करण हमरा के बारे में बतेलस, वो जोन भी कहलस हम ओकरा साथ बनी। अगर वो आपके मना कहलस तो बिल्कुल सही कहलस, और आपके दिल छोटा करे के बिल्कुल भी जरूरत नहीं खे। आप जोन कुछ भी हमने खातिर कहले बनी ना, वो बहुत अनमोल मा। आप जानते नहीं वक्त करण के जोन हालत बना, इस शहर में केव हमने के साथ खड़ा होके वाला नहीं खे सिवाय आपके। ये अपना आप में बहुत बड़ा बात बा हमने खातिर। कल जाला ना जब बुरा वक्त आला तब अपन लोग के पता चलेला। अब तो साबित कर देनी कि आपके अपनापन सबसे ज्यादा सच्चा बा। थैंक यू सो मच प्रीता जी, अभी तो शायद खाली इतना ही बोल सकता नहीं। जी व्हाट, वो गुलाटी मार बंदर, मतलब वो चुगलखोर भी बन गेल बा। अरे सर, हमरा तो ओकर शक्ल से ही नफरत बा। ओकरा देखे ने ना तो हमार दिल खराब जाएला। हम तो परेशान हो गेल बानी चुगलखोर से। मतलब वो मम्मा के काका ना सुनैलस, समाज मर्यादा इज्जत एक्सेट्रा पता ना काका बोल गई। अरे बार बार वो ये बात के अंडरलाइन करके बतावत रहल कि प्रीता दी के आपके घर से कैसे निकालल गईल बा।
निकाला ना गेल बा करण सर, बस घर में आए से मना कैले बाड़ी करीना मैम। और फिर सर अब मामा भी कहा करे, उनकर होके वाला दमाद जे ठहरल ओकर बात सीरियसली लेवे के पड़ी ना। मतलब ऐसा गुस्सा होता ना लंगूर के ऊपर, आग में घी डाले वाला काम करत रहे। ये पृथ्वी की वजह से मामा इतना गुस्सा हो गयी, करण सर इतना गुस्सा हो गयी कि वो प्रीता देखी बोल दे ली कि उनका से रिश्ता तोड़ती ही। What? इबम कहा था रुतु, ऐसे कैसे? अरे ऐसने भैल बा सर, आपके तो पता बना हमारे मामा के, उनका खातिर कोनो ग्रे एरिया ना हो गया, या तो ई पार या तो ई पार। जाना था नहीं यार, सब कुछ जाना था नहीं, अच्छे से जानी के तू दोनों खातिर सल्ला आंटी कितना मायने रखी ली, खासकर प्रीता खातिर। कुछ भी हो जाए लेकिन उनका यकीन ना तोड़ सकेली, उनकी ठेस ना पहुंचा सकेली, उनकर मर्जी के बगैर वो यहाँ हमसे मिलने आई ली, हमारा खातिर ही सब करता रही, हमारा हेल्प करता रही। यार इतना सब कुछ हो गया लेकिन फिर भी वो यहाँ पे आई ली हमारा खातिर। माँ की कॉल आयल रहे का? ना ऑफिस रहे, पूछत रहे कि कब ज्वाइन कर बाप। गेस व्हाट, हमरा के मनीषा के घर के एड्रेस मिल गए हैं, हम अबे जाते नहीं हो जहां। ऋषभ जी हम आपके साथ जाते नहीं, इन्हें एक काम में देर ना होके कि जाए। भाई दी, अरे सुषि बात सुना सुना, चल गली लेके। तो के कहो गल हब आंखें काहे भरल बाप?
या विकम थैंक्स फॉर द लिफ्ट यार पृथ्वी चला निकाला 5 लाख यू ब्लडी बिजनेस माइंड ना दे सकला ना फिर थैंक यू काय बोला मेंशन नॉट हमके लागल रहे कि गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो रहल बा पर हमके ई ना पता रहे कि गाड़ी ही स्टार्ट नहीं की हुई जस्ट चिल मोनिशा तो टेंशन काहे ले रहल हो तोहार गाड़ी हमार घर के बाहर बिल्कुल सेफ है और अगर केहू चोरी चोरी कह के चाहे ना तो तोहार गाड़ी के चोरी ना कर सकेला पूछा काहे 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 के मैं पेट्रोल है ना जा 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 गोइंग नाउ जा जा थैंक यू यार मैं करके ड्रॉप करके आता हूं ओके ओके कम फास्ट ओके या सृष्टि बंगलो नंबर का रहल ऋषभ जी बंगलो नंबर 1408 ऋषभ जी हमने आ गए नहीं क्योंकि पूछ ली का बिकॉज कंफ्यूजिंग लेट से पूछे के रुका भैया भैया ये बंगलो नंबर 1408 कहां बा 1408 यहां से लेफ्ट मारी वहां मोनिशा शर्मा के बंगला है थैंक यू आगे से लेफ्ट कर ले बड़ी बाय ऋत्विक हां हम तोरा से का कहत रहनी कि ओ इतना जल्दी जाए के जरूरी बाका जाए के मन तो हमरो ने के करत तो फिर मत जा बिजनेस पार्टनर कॉलिंग जाए के पड़ी सुना इस शादी के बाद भी तू हमारे साथ ऐसे नहीं करवा बिजनेस कॉलिंग एंड ऑल बेबी एक बार बिजनेस लॉन्च तो हो जाएगा 70% ओकरा बाद तारा साथ पार्टी ही पार्टी तारा खातिर टाइम हो ओकरा बाद तू काम कर तू जा वरना ये पृथ्वी पाना ये हॉर्न बजा बजा के पूरा कॉलोनी के ना सर पे उठा ली चला 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 जा 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 गो बाय बाय पृथ्वी पृथ्वी साले कबाब में हड्डी ऑन बजा बजा के पूरा मोहल्ला के उठा दे बा तू डोंट मिक्स बिजनेस तो प्रेजर ओ या एक मिनट 1408 जी हमरा तो समझे में ना आवेला कुछ लोग के सब्जी लावे में इतना देर कैसे लग जाला इतना साल हो गयल इतना साल से सब्जी ला रहल बानी लेकिन हमरा तक अबो भी इतना देर ना लगल पता ना कैसे लोगन के सब्जी लावे में इतना देर लग जाला सरला रसोई में काम कर रहल बाड़ू ना अपन काम करा हम बानी यहाँ पे संभाले खातिर तू अकेले ही वापिस आ गयलू सृष्टि कहाँ गयी ओ गॉड अब दादी से झूठ कैसे बोली अच्छा काम पे गयल हुई द सरला ला ही आवा जी ईला अब ही आवे के जरूरत ना बा खामो खा के ताका जाकी मत करी हा ना कर अब हम ताका जागी बाकी आप तो नहीं बैठ जाई डॉक्टर कहले बा आपके आराम करे खातिर लेकिन आप तो केहू की बात सुनते नहीं की जल्दी बैठी हूँ हाँ हाँ हम चाय लेके आवा तानी प्रीता ही आवा बेटा यहाँ बैठा हमरा पास दादी एक्चुअली हम लोग ना पुलिस कुछ जो कहे की जरूरत ना बा भगवान भगवत गीता में खुद गाले बा अगर कोनो निर्दोष के बचावे खातिर झूठ बोलल जाए तो वो 100 सच से बड़ा हो खिला और फिर तू तो झूठ बोलू भी ना बड़ू ना दादी सच के छुपनी था बस रहे था देखा प्रीता हम जानत बानी तू हमार प्रीता बाड़ू और वो हमार बेटी सरला बाड़ी दिल के बहुत अच्छा है
लेकिन गुस्सा, हे भगवान, जब कोनो बात के उठान ले विली ना, तब फिर केहू के सुनत ही नहीं के बाड़ी, अपन जिद पे ही अड़ जाली। अब देखा ऊ तो के लुथरा परिवार में जाए से तरुकला, ठीक बा हम मानत बानी, पर कौन माई बर्दाश्त करी कि ओकर बेटी पे झूठा इल्जाम लगाएल जाए। लेकिन ई जे अब अपन जिद पकड़ ले बाड़ी हिटलर जैसन कि तू पुलिस स्टेशन नहीं खे जाइबू, करण के मदद नहीं खे करबू, गलत बात बाना बेटा। और जब गलत के इतना बड़ बोझ बन जाए तो सच के ओकर आगे कुछ ना चलेला, के समझाए ओकरा, दिल पे इतना बोझ, दिमाग पे गुस्सा लेके पता ना का करत रहे लो। यही खातिर बेटा एक एगो रास्ता बा, तू अपन रास्ता पे बढ़त जा। हाँ हाँ फिकर मत करा, जब ओकर गुस्सा ठंडा हो जाए ना, पलट के फिर तोहरा से ही पूछी, अरे तू ऐसे कैसे कर देलू, जबकि तोके पता रहे कि करण बेकसूर बा, तू अगर मदद काहे ना कैलू। देखा प्रीता, हमनी सब जानत है कि करण जे बाना ऊ बेकसूर बा, ओकरा बचावे खातिर तोके जौन कुछ भी करे के बाना तू जरूर करिया, तोहर दादी के सलाह बा बेटा। लेकिन दादी, माँ। माँ के फिकर मत करिया, गुस्सा जब ठंडा हो जाए ना ते ठीक हो जाए, और हम है ना। हाँ प्रीता, कपड़ा कुछ पड़ल बा पलंग पे, ओकरा तह करके रख दे बेटा। जी दादी। जा। ली। चाय। देखा सरला, तो के आखिरी बार हम एक बात कह रहल बानी, बच्चा से इतना ज्यादा सवाल मत करल करा कि उनकर दम घुटे लग जाए। अरे घर पे आवत ही तू सवाल के बौछार कर देवेलू, कहाँ रह गए ले, काहे रह गए ले, इतना देर कैसे हो गई। बीजी आप उल्टा हमरे डांटा तानी, आप देखनी ना, इतना सा काम खातिर भेजले रहनी, इतना देर लगा देली। तू बच्चा लोगन की गलती तरह से गिनबू तो इस घर के खुशी कम हो जाए। अरे घर के माहौल में कुछ तलाज रखा, चाहे तो केहू चाहे हमरा बारे में जोन सोचे, हम उहे करब जे हमरा सही लागेला। शुक्र बा भगवान के जे कम से कम सृष्टि तो इस सब में समझदारी से काम ले रहल बाड़ी, ऊ लूथरा से दूर बाड़ी। अरे एक मिनट ऋषभ जी, का करत आनी है? काय काय भइल? ई लड़की आपके देख ले बाड़ी, वो आपकी चेहरा पहचान ही ली। अगर वो दरवाजा के की होल से देख ले ली कि आप बानी, तो वो तो दरवाजा ही ना खोली, हमने के सारा मेहनत बेकार चल जाए। ऋषभ जी एक रह से बेहतर बाकी हम ट्राई करी। ओके ट्राई करो। ओके आप छुप जाएं। हाँ लागत बार ऋत्विक वापस आ गेल। हेलो मैम, नमस्ते। आपके हम खुशखबरी लेके अलबानी मैम। कांग्रेचुलेशंस, आप 5 लाख के लॉटरी जीत चुकल बानी। हाँ और ना आपके चेक आज ही मिल जाई, और चेक बाउंस भी ना हुई। बड़ी किस्मत वाली बानी मैडम आप, बस आपके आईडी कार्ड चेक करे के हुई, दैट्स इट। माय गॉड, इस सृष्टि बिना ये कैसन बहाना भाई। अरे पैसा के लालच में कौन अजनबी के केहू काहे घर में आए थी। आईडी? हाँ या ऑफ कोर्स कम इन। अमेजिंग मैम, वो का बना मनी ट्रांजेक्शन बना था इसे आईडी चेक। बट आपकी ओरिजिनल चाहिए हो के या जेरोक्स? एब्सोल्युटली ओरिजिनल। करेक्ट। ओकरा के फसाओल गई बा, हम दावा के साथ कह सकत नहीं की लड़की वो साजिश में शामिल रहल, जो भी करत या जान मुश्किल करत या चेक करी। Real and not original.
गॉड, बस एक बार हमकी मुसीबत से बाहर निकल दी, प्लीज हम उकरा खुश देखे चाहता नहीं। इतना उदास, इतना मजबूर करण के कबू न देखनी, ओकर ई रूप हमरा से देखल न जा रहल बा। करण तो तू वैसे ही अच्छा लागत बा जब एटीट्यूड दिखावेला, हमके चौथा फेल बुलावेला, जम के हमरा से लड़ाई करेला, तब तब ही अच्छा लगेला। तोहर आंख में आंसू अच्छा नहीं लगेला करण, हम नहीं देख सकत है। इतना सच्चा दोस्त नसीब वालन के मिलेला। ओह गॉड, ये तो करण लूथरा के भाई बाप, अब का करें? अरे तू कहाँ भागल जा रहल बड़ू? अरे सुनब, तू लोग हमारे घर पे का करल बड़ा? हाँ ज्यादा हिला मत, कुछ पूछताछ करे के बाद समझ लो ये पकड़ा रहा। जस्ट लीव मी अलोन, छोड़ अब भाई दिया। तू लोगन के हमारे घर के कैसे पता चलल? हम और हमार बड़ी बहन तो हर कार के रजिस्ट्रेशन नंबर नोट कर ले रहनी, वही के ट्रैक करके यहाँ पहुँचले बानी, समझ लो। तू लोग चाहत का बड़ा। अब तू आई लूना पॉइंट पर। तार नखरा खत्म हो गई होगे ता बात करे के? बहुत अच्छा से जाना तनी हम, तू हमरा के भाई के फसावे खातिर क्यों से डील कर ले पड़ू? कर ले पड़ू ना डील? हाँ तो के कल तारा साथ डील हमारे भाई के ट्रैप करे खातिर, और अपन भाई के उहे मुसीबत से निकाले खातिर हम तारा लगे को डील लेके आई बनी। और यकीन माना, हमार डील तारे उतू कौड़ी के डील से कहीं अच्छा बा। नाउ कम ऑन, get up like a good girl, come on, let's talk like civilized people, come on, get up, come on, get up, get up, get up, get up, get up। कहाँ गए हो प्रीता जी? ये वक्त तो उनका घर पे रह के चाहिए, पर प्रीता जी घर पर ना। एक मिनट, कहीं ऐसा तो ना कि प्रीता जी फिर से उकरन ना, हम ऐसा ना होके दे। हेलो प्रीता जी, कहाँ पर हैं आप? सुबह से आप घर पे ना हैं। आपके दादी जी से बात भइल तो पता चला कि आप कोनो काम से बाहर गए हैं। आजकल बाहर के काम कुछ ज्यादा ही निकल के आ रहा है ना जी। प्रीता जी उम्मीद करते कि आप फेनो से वो करण लोथरा से मिले तो ना गए हैं। प्रीता जी आप समझत काहे ना है? आप ऐसा काम करते काहे जिकरा से आपके और हमारे दोनों के रिश्ता पर आंचा है? पिताजी अगर आपके नाम पर कीचड़ उछली तो छीटा हमरा पर भी गिरे ना। समाज सिर्फ आपसे ना, हमरा से भी सवाल पूछी और हम ककरा ककरा के काका जवाब दे? पिताजी वो करण लूथरा अच्छा लड़का ना हा। ओकरा पर संगीन आरोप लगल है, एगो लड़की ओकरा पर छेड़खानी के आरोप लगे ले बा। पिताजी करण लूथरा एगो रेपिस्ट है, और एगो रेपिस्ट आपके दोस्ती के लायक बिल्कुल ना। एक मिनट पृथ्वी जी, करण कोनो रेपिस्ट या फिर मोलेस्टर ना बा, ये सिर्फ एगो इल्जाम बा ओकरा ऊपर। जब तक कोर्ट में साबित नहीं हो जाला क्यों गुनाह कैले बा और ओकरा कोनो सजा नहीं मिल जाला, तब तक ओकर शराफत पे ना हमके शक नहीं करे के चाहिए। जब कोर्ट में सारा बात साबित हो जाए तभी इंसाफ होई। ई वक्त ई सिर्फ एगो इल्जाम बा, एकर मतलब ई ना बा कि करण कुछ गुनाह कैले बा। तब प्रीता जी का एकर मतलब यह क्या फेनो चौका से मिले गेल रहली?
वाय वाय प्रीता जी वाय, आप सिर्फ एगो नकली इनोसेंट चेहरा पर बिलीव कर रहे। करण लूथरा एक नंबर के बदमाश, ओकर सच्चाई बस आज सामने आयला। बदमाश तो पहले से रहे, और ही हम ना पूरा दुनिया बोल रहा, और आप एगो रेपिस्ट के वकालत कर रहे। वाय एकर मतलब आप हमरा पे नजर रख रहे हैं कि हम कहाँ जाते हैं, का करत हैं। लेकिन हम तो आप पे नजर नहीं रखते हैं ना कि आप का करत हैं और आप कहाँ जाते हैं। हम तो कबो रुकले टुकले ना है कि आप हमके यहाँ कैसे दिख गए ले, ये यहाँ कैसे आ गए ले। हम तो आपके कबो जज नहीं कहनी कि आप सही हैं, गलत हैं, शरीफ हैं या बदमाश हैं। जबकि हमार दोस्त, हमार खुद के बहन हमके कहली कि आप ठीक ना हैं। शैलिन के साथ आपके अफेयर चल रहा बा, लेकिन हम आपसे कबो सवाल ना कह ले, कबो आपसे जवाब मांगनी कि आप और शैलिन हमेशा एक साथ कैसे हर जगह मौजूद रह ले। कबो कोनो इल्जाम ना लगे नी, हम आप पर कोनो आरोप नहीं लगा रहा बानी, लेकिन हम जानत बानी कि गुरिश्ता के बनाए रखे खातिर आपसी समझ और रिस्पेक्ट के बहुत ही जरूरत हो खेला। जे हमके आपसे कबो ना, लेकिन हमके चाहिए ये रिस्पेक्ट और आजादी, हमके चाहिए। ये बात आप कान खोल के सुन ली प्रीता जी। और एक बात और पृथ्वी जी, हम दोनों की अभी शादी नहीं भइल बा। अगर आप अभी से ई तरह से हमरा पे रोक टोक लगाए, हमके हमार सच्चा दोस्तन से मिले खातिर पाबंदी लगाए, तो आई एम सॉरी। ये शादी ना आपके खुशी दी, ना हमके कोनो खुशी दी। हम बिना कोनो कसूर के मुजरिम बन जाए, और ई हमके बिल्कुल मंजूर ना बा। काहे कि हम रिश्ता में तनाव लेके आगे नहीं बढ़ सकत हैं। हम अपन मर्यादा जानत पानी, और हम ओकरा क्रॉस कबो नहीं करब। लेकिन अपन अस्तित्व के दायरा छोटा कर दी जस्ट बिकॉज आप ही चाहत हैं, तो वो नहीं हो सकेला। फिर तो हमारे रिश्ता के नींव ही बहुत कमजोर बा। ना ना ऐसा कुछ ना प्रीता जी, आप हमारे यकीन मानी। हमके लगेला आप ही वक्त बहुत परेशान है, हम आपसे बाद में कॉल कर बात करते, ओके? इट्स जस्ट रिलैक्स। बेहतर होई। हमके कोनो डील नहीं करे के बाद तू लोग निकला यहाँ से, वरना का करबू तू? करण सर के जैसे ऋषभ जी पर भी मोलेस्टेशन के इल्जाम लगेबू। बाकी भूलिया मत की कमरा में एक और लड़की मौजूद बाड़ी, वो बनी हम। ए बार तो हर झूठा कहानी के और ना सुनी। हम तुरंत लोगन से करे ना, हमके कोनो डील नहीं करे के बाद निकला यहाँ से। हम तरह से ये नहीं की पूछले कि तारा के डील करे के बाकी नहीं के करे के। तारा अच्छा लगो चाहे बुरा लगो, तारा ये डील करे के ही बा। जोन तू गलत काम करे बड़े ओकरा के सुधारे के पड़ी, हमारे भाई के फसले बड़े तू ओकरा के आजाद तारे ही करावे के पड़ी। यू हैव नो चॉइस। हम आपके भाई के फसले ना है, वो खुद हमारे पीछे आ गए रे, अब निकला यहाँ से। रियली ऋषभ जी सही कहत बड़ी, ये कुछ ना कहले बड़ी, ये तो सिर्फ शराब के गिलास में नशा के दवा में ले ली। और उहे शराब जाके करण सर के पिला दे ली, और फिर करण सर के होटल के कमरा में ले जाके वो सब कुछ कह ली जो एक ना करे के चाहत रहे। अरे अगर तोरा जगह कोनो शरीफ लड़की रहती ना तो ये सब कुछ ना करती। हम बता बता नहीं ओकरा बाद का भइल। ओकरा बाद एगो अच्छा लड़की ऊ कमरा में आवेली, और तोहार हरकत देख के तोरा ऊ कमरा से बाहर फेंक देवेली। एम आई राइट? और फिर जब वो अच्छी लड़की कोनो काम की वजह से ऊ रूम से बाहर जाली, तू मौका के फायदा उठा के रूम में फिर से घुस जालू, और ऐसा माहौल क्रिएट करे लू जैसे तोरा ऊपर के वो जोर जबरदस्ती के लिए बा। खुद के कपड़ा फाड़ल, रूम मैसी कर देवल, पुलिस के सामने ही चलावल के ओ बचाओ हमरा के, हमारी इज्जत के देखा का हो गेल बा, ताकि सबके ये लगे कि तू सच बोल रहल बाड़ू। हाँ हमनी के सच पता बा। तू एगो काम कहना करे लू, तू पुलिस के कहना बुला ले बेलू, अभी दूध के दूध और पानी के पानी हो जाये। अरे पुलिस के सामने तो हर सारा कच्चा चिट्ठा निकाल के रख दे, समझ गए लू? एंड बाय द वे कहां बताने कि हमने के पास सीसीटीवी फुटेज भी बा, जे में साफ नजर आवता कि तू करण सर के साथ का कहले बाड़े। हमने के पास एगो आई विटनेस भी बा, और पक्का सबूत भी, समझ लो। बावजूद इसके हमने के तारा साथ डील करके चाहत नहीं, क्योंकि हमने की चाहत कि जब तक ये केस चले हमने के कोर्ट के चक्कर लगावत रही, क्योंकि हमने की चाहत कि हमार भाई उजा जेल में सड़त रहो। कोर्ट में खाली बहस हुई, तारीख पे तारीख मिली, हमार भाई के तकलीफ हुई। झूठ, कोनो विटनेस ना बा, कोनो सबूत ना बा। लुक एट दिस, हमनी के पास सबूत भी बा और आई विटनेस भी। हमार बड़की बहन, हमार प्रीता दीदी सब कुछ अपन आंख से देख ले बाड़ी, समझ लू। तू केहू के साथ मिलके हमार भाई के फसावे के कोशिश कर ले बाड़ू, और जे साजिश करेला और जे साजिश के अंजाम देला कोर्ट दोनों का ही सजा देला, और करण के केस में तो तू अपन हाथ से उस साजिश का अंजाम देले बाड़ू। एंड लिसन, हम ये भी जाना था कि वो प्लानिंग तू नहीं को कहले, क्योंकि वो पार्टी से पहले तू तो करण का जानत ना रहलू, तो दुश्मनी निकाल कर कोनो सवाल पैदा नहीं होत। लेकिन एकर मतलब ई जरूर बा कि तू के साथ मिलके ओकरा के फसेले बाड़ू।
अब शराफत से हमरा के वो आदमी के नाम बता दा जेकरा साथे तू डील कर ले बड़ू, क्या कि मैडम जॉन तू काम कर ले बड़ू ना ओकरा खातिर तू सालों साल जेल में सड़त रहबू सालों साल, और जब बाहर निकलबू तो मुंबई और तहार शकल दोनों का नक्शा बदल चुकल हुई। एंड ट्रस्ट मी, आई विल मेक श्योर दैट यू डोंट कम आउट ऑफ जेल, सो दैट अब द चॉइस इज योर्स, तार आजादी चाहे कि बर्बादी। रहल बात तहारी किस्सा कहानी के, ओकरा के हम झूठ ए तरह से साबित कर देब, शुरू से आखिर तक हम सब जाना तनी उभी प्रूफ और आई विटनेस के साथ। मुंबई के बेस्ट लॉयर हमारे भाई के केस संभाला था, ओकरा के हम कुछ ना कुछ करके तो बाहर निकालिए ले। कभी तू अपना बारे में सोच ले बाड़ू, एंड हाउ अबाउट उम्र कैद, विचार कर ले बाड़ू कब ओकरा बारे। अरे एक बार अगर पर्दा तो पास होके दी ऋषभ जी, ओकर बाद मीडिया और करण सर के फैंस तोरा कच्चा चबा दिए कच्चा, और फैंस के गुस्सा तो जाने लो ना, लोगन के घर जल जाले चक्कर में, और फिर उम्र के तबाह ही, फिर जेल में बैठल बैठल खुद के कोसत रही है कि हम करण लूथरा के साथ पंगा लेनी ही काहे, ना ब्यूटी पार्लर जाए के मौका मिली और ना ही मनपसंद खाना खाए के मिली, कंकड़ के पुलाव और पानी जैसे पतला दाल नसीब हुई तरह के। अरे बदबूदार जेल के कोठरियन में मच्छर तरह के लोरी सुनाई लोरी, और एसी तो भूलिए जा, वहाँ फैन तक नसीब ना हुई तरह के, और चार क्रिमिनल औरत जो तोरा साथ जेल शेयर करी ना, उनकर सर के जू तोहार सर में घुस जाये और वहाँ खून चूसे के कॉम्पिटिशन करिए, और तू बाल खुजा खुजा के परेशान हो जाएबू। अब और बर्दाश्त नहीं क्यों रलवा हमरा से, ऋषभ जी करण के फसावे खातिर हमार डील भैल रहे ककरो साथ, वो आदमी हमके कहले रहला कि करण पे मोलेस्टेशन के झूठा इल्जाम लगा दा और जेल में भिजवा दिया, वो कहले रहे कि करण ओकरा बहुत परेशान करेला, हमके नहीं के पता रहे कि एक नंबर के झूठा बा, हमके माफ करती, हमरा से गलती हो गई। अब अगर हम मीडिया या पुलिस के ई चीज कहब ता वो लोग हमके हमके छोड़ी ना, ओकर फैंस हमार घर जला दी। तारा चिंता करे के जरूरत नहीं है, हम मानी ना कुछ ना हुई तारा, तारा के पक्का जॉब भी मिली, घर भी मिले, गाड़ी भी मिले, जॉन चाहिए तारा के तौन मिली, तू बस ये सब बात उजालो के सामने बोलबू और हमारे भाई के बचाइबू बस। हाँ पर ये सब चीज खातिर दाम के पैसे चाहिए हो कि कितना पैसा चाहिए तारा, 25-50 लाख का, कितना चाहिए? 25-50 लाख से का हुई, और वैसे भी आजकल के जमाना इतना महंगाई के बात था, अब 1 करोड़ डन, लेकिन हमरा वो आदमी के नाम चाहिए जो निक काम कर ले रहा है, हमरा के बताओ के हो। पहले आप हमके पैसे दे दी, फिर हम आपके ऊपर नाम बता दे, लेकिन हमके चेक ना कैश चाहिए हुई। वो भी मिल जाए, हमरा इस सब बात ऑन रिकॉर्ड चाहिए। जी एक मिनट, सो दैट्स इट, ये सब तो पैसा खातिर कह लू, पैसा खातिर तो अपन जमीन भेज दे लू मोलीशा। अरे तरह देख के ना हमरा घिन आवेला घिन, तो क्यों की जिंदगी बर्बाद कर दे लू अपन लाइफ सेटल करे खातिर, और एक वजह से हमारी कितना परेशान हो गई यार, हमार करण से लॉकअप में बिना वजह बंद पड़े, और ये सब एक लालच की वजह से एक रात हम चप्पल खोल के मारम। सिस्टर सिस्टर रिलैक्स, चला चला हमरा साथ। अरे छोड़ी सिस्टर हमरा क्या, हम कर सिस्टर रिलैक्स, सिस्टर रिलैक्स रिलैक्स एनीवे, मन तो करता मुंह तोड़ दी लड़की के, सबके परेशान कर रख ले बाड़ी, आपकी फैमिली के हमार फैमिली के, एक रस सिर्फ पैसा दिखाई देता पैसा, इतना लालची बाड़ी अपन लालच के चक्कर में करण सर के जेल भेज दे ली। ऋषभ जी लातन के बहुत बात से ना माने ले, हम कहो तानी ना हमरा के एक बार जान तो दिया। सृष्टि विल यू प्लीज रिलैक्स नाउ, सब कुछ ठीक होता ना, हम माना तो नहीं गुले की हमने के बहुत तकलीफ दे ले भी, लेकिन अब तक चीज बेहतर होता ना, होता कि नहीं क्या होता, देन वॉट, कम ऑन गुस्सा छोड़ा शांत हो जा रहे, अच्छा से स्माइल द, करण आज छूटा था, कम ऑन स्माइल बनाता है गो। करण सर छूट रहल बानी, आप प्रॉमिस करल बानी? आई विल मेक श्योर, आई प्रॉमिस, पक्का ना, गो सेट, कम ऑन गो 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 गो। एक बात बताओ तनु, अंदर दवाई वाला बात का बोलत रहलु? उ त हम ऐसे फेंक देले रहनी ऋषभ जी, लेकिन ओकर चेहरा देखे लाइक रे डर गेल रहली एकदम। डैड सुनी ना, हमरा के 1 करोड़ रुपया चाहिए कैश, वो भी यही वक्त, हम आपके घर पे आके बताओ तो नहीं सब कुछ, आप पैसा अरेंज करी हम आपके घर पे मिलाते नहीं, ओके बाय। चले चले हटी 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 बात कर दे, हाँ हटी हटी हमने की जाए दी, अरे का रुकिया हटी हटी हटी, चला हटा जय
क्या दी हमने के? अरे अरे छोड़ अपना हाथ पे हटी हटी। हाँ आप लोग तनी शांत हो जाए, थाना में हंगामा मत करी। बताई कहा जनाब? कैसे चुप हो जाए? अरे ये तो हमार मजहब के तोहीन कैले बा। जनाब आप पहले हमार रिपोर्ट लिखी। ठीक है हवलदार, इनका 4 नंबर सेल में ले जा। बताए। अरे हटी हटी आप लोग, हटी हटी हमने की जाए। चले चले हटी 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 आप लोग। आराम से का बे, लोग ऊपर वाला के याद करेला और तू उन लोग के दुआ में दखल देला और ऊपर से मारपीट करेला। धक्का काहे देला? हां पहले ही से चोट लागल बा यार, इंसान बा वो भी। अरे पागल है, मार्केट में पागलपंती करत रहे।